नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारी जो कुछ वीडियोस हैं उस पे कई साधक ध्यान कर रहे हैं या उनको किसी और भी वीडियो को देख के ध्यान कर रहे हैं और उन्हें सिर में दर्द हो रहा है या टांगों में उनके बैठे बैठे दर्द हो रहा है। तो वो बहुत से कमेंट्स आए हैं और ईमेल्स आई हैं, इसलिए हमने उसका कोशिश किया है कि इस वीडियो में सभी जानकारी उनको दे दी जाए ताकि वो उत्तर से संतुष्ट हो जाएं और उसी तरह करें जैसे हम बताएं, या उनका कोई और मेंटर है आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनके कोई गुरु हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके इन सवालों का सभी का जवाब देने की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि बैठे बैठे टांगों में दर्द हो जाना या सर में दर्द हो जाना, और इनका क्या हल है, इनका क्या सोल्यूशन है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, पहला है कि अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा, जो साधक नए नए होते हैं वो सीधा आगे चक्र पे ध्यान शुरू कर देते हैं, और जब ऊर्जा आपकी उठकर ऊपर आती है तो आपका जो ब्रेन है उस ऊर्जा को सह नहीं पाता, वो जैसे साधक को प्रकाश भी दिखाई दे जाता है तो हमारे उस भाग को, सिर के उस भाग को इतनी ज़्यादा ऊर्जा वो संभाल नहीं पाता, जिससे सिर में आपके दर्द महसूस होने लगता है। और दूसरा कारण ये भी होता है, जब ऊर्जा उठकर ऊपर आती है तो वहां पे आपके ब्रेन में जब ऊर्जा इतनी ज्यादा पहुंचती है तो उसे हल्का हल्का वाइब्रेशन, जैसे चींटियां चल रही हों इस तरह से महसूस होना या वाइब्रेशन फील होना, ऐसा शुरू हो जाता है। तो साधक डर जाते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं। तो ऐसा कौन से साधक करें या कौन से साधक ना करें, उनको भी हम आज बता देते हैं। जो तो साधक पुराने हैं, कम से कम 6 महीने हो गए उनको मेडिटेशन करते, वो अगर आगे चक्र पे ध्यान करेंगे तो वो आराम से बिल्कुल हल्केपन में आगे चक्र पे ध्यान लगाएं, कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें कि हमें आज ही आगे चक्र खोलना है। बिल्कुल हल्का सा वहाँ पे मीठा मीठा सा उस आनंद को फील करें आगे चक्र पे जाकर। लेकिन जो साधक नए नए हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हैं या कहीं से भी उन्होंने वीडियोस देखी हुई है आगे चक्र की, तो वो सीधा आगे चक्र पे ध्यान ना करें। उन्हें पहले जो हमारे आनापाना सति ध्यान है उस पे वो थोड़ा करें ध्यान, श्वासों पर जिसे हम ध्यान कहते हैं, श्वास का आना और जाना इसी को देखना है पहले, जो नए नए साधक हैं इसको देखते रहें और एक स्थिति ऐसी आएगी आपके सांस का जो एरिया है वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे श्वास बिल्कुल छोटा होता जाएगा वो अपने आप आगे चक्र पे पहुंच जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि श्वासा जो है आत्म देव जो है हमारा आगे चक्र पे बैठ के ही श्वास लेता है। तो आप अपने आप ही लास्ट में आगे चक्र पे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। पहले तो आप सांस को मेजरमेंट करोगे, कितनी लंबी श्वास जा रही है और कितनी लंबी श्वास आ रही है इसको देखना है। देखते देखते ये श्वास छोटी होती जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहेगा आप अपने आप आगे चक्र पे पहुंच जाएंगे और फिर आपका आगे चक्र पे ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा
और फिर आपको दर्द नहीं महसूस होगा। और तब भी अगर हल्का फुल्का आपको दर्द हुआ, पुराने साधक हैं तो बिल्कुल घबराए ना। ये ऐसी स्थिति सभी के साथ आती है और वहाँ पे जो आगे चक्र है खुलते टाइम भी दर्द महसूस होता है, किसी किसी को पेट में भी दर्द महसूस होने लगता है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, वो ध्यान करते रहें और थोड़ा अगर उन्हें ज़्यादा दर्द लगे तो थोड़ा बीच में गैप भी डाल सकते हैं। लेकिन जो नए साधक हैं अगर वो सीधा आगे चक्र पे ध्यान शुरू कर रहे हैं तो वो आगे चक्र पे ध्यान करना थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें। और जो हमारी दूसरी वीडियोस डाली हुई है आनापान सति ध्यान, उस पे ध्यान शुरू करें और जैसे कुछ महीने बीत जाए, 3 महीने या 6 महीने, फिर आप आगे चक्र पे ध्यान का शुरू करें दूसरी वीडियो पे हमारे। और दूसरा है जो टांगों में दर्द हो जा रहा है साधकों के, तो जो नए नए साधक हैं वो जब बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा तो उन्हें दर्द महसूस होने लगता है क्योंकि उन्हें इतनी देर बैठने की आदत नहीं होती। तो वो साधक जो नए नए हैं वो पहले जैसे एक घंटा या आधा घंटा मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो 10-10 मिनट के गैप में करें। पहले 10 मिनट करें और ध्यान रहे वो फर्श पे ना बैठें, किसी कंबल को बिछा लें या गद्दानुमा चीज़ को बिछा लें फिर बैठें। पहले 10-10 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट करें और पैर दर्द होने लगे हैं तो खोल दें पैरों को और फिर थोड़ा 2-4-5 मिनट का गैप डालें और फिर दोबारा से पैरों की वो बंद कर लें। और ऐसा करते करते आप बीच में जब ब्रेक लेंगे 3-4 बार तो धीरे धीरे आपका शरीर हैबिचुअल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो जब पहले दिन ही जाके सीधा आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 1-2 दिन आपका शरीर इतना ज़्यादा दर्द करता है कि आपका दिल करता है अब तो छोड़ ही दें, जिम जाना ही नहीं। लेकिन आप अपनी विल पावर दिखाते हो और धीरे धीरे फिर करने जाते हो तो थोड़े दिनों बाद जब 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाता है तो आपका शरीर उसके लिए एलिजिबल हो जाता है और फिर आप कंटिन्यू जिम जाते हो और फिर आपको थकावट नहीं होती। ऐसे ही ध्यान के मार्ग में जब आप आते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा करें, 10 मिनट करें, धीरे धीरे 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें। ऐसे धीरे धीरे समय को बढ़ाना है आपने। एकदम बैठने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, पैरों में आपके दर्द होगा और भी शरीर में दर्द होगा। तो इस तरह से तो जब भी बैठना है तो अपनी पीठ को सीधी करके बैठना है, मेरुदंड को आपका सीधा होना चाहिए जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, और फिर अपने ध्यान धीरे धीरे करके बढ़ाना है। आपके टांगों में दर्द भी नहीं होगा, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और जो आगे चक्र का दर्द है वो भी आपको हमने बता दिया कैसे आपका कैसे करेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है हमने दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो सभी साधकों को दे दिया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या ईमेल हमें कर सकते हैं। और दोस्तों हम छोटे छोटे क्लिप्स जो है अपने इंस्टाग्राम, अपना जो हमारा इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लें हमारे, ताकि जो हम ये क्लिप बनाकर डालने जा रहे हैं उसमें छोटे छोटे मेडिटेशन के कुछ सीक्रेट्स पॉइंट होंगे जो हम उसमें शेयर करेंगे। तो अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है, इंस्टाग्राम हैंडल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें क्योंकि हम कुछ ही दिनों में उस पर क्लिप्स डालना शुरू कर रहे हैं। तो उसे आप जरूर फॉलो कर लें सभी साधक। उसमें आपके छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं कमेंट्स के, उनके सभी के उत्तर हम कोशिश करेंगे उसमें डालने की, ताकि आपके उसी में सारे उत्तर सभी को एक दूसरे के मिल जाएं। कई साधक नहीं भी पूछते हैं तो उनको भी उनके उत्तर साथ में मिल जाए करेंगे। और अगर दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ध्यान साधना के हर एक छोटे से छोटे पहलू को बताएं ताकि आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, और जो भी आपके खास दोस्त मित्र भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।